उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को तमाम योजनाओं से लाभान्वित कर रही है, लेकिन नहर विभाग वहीं किसानों को परेशान करने में कतई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। ऐसा ही एक मामला ब्लॉक बेवर के ग्राम अहमदपुर का है। आप यहां पर लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से पानी का कटाव पुल के नीचे से निकल रहा था, लेकिन वही दूसरी ओर पानी का कटाव हो गया, जो आज एक महीने से इस कटाव को रोकने की सूचना ग्राम प्रधान अहमदपुर के द्वारा बराबर दी जा रही है। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि जानकारी देते बताया कि करीब 3 करोड़ रुपए की लागत से पुल को बनाया गया, जिसे अभी एक वर्ष तक नहीं हुआ, लेकिन जल निगम व नहर विभाग की बड़ी लापरवाही से पुल को गिरने की संभावना ज्यादा बन गई है। उन्होंने ये भी बताया कि करीब एक माह से यहाँ पर कटान चल रहा है, जिसकी सूचना नहर विभाग को और जल विभाग को तथा सिंचाई विभाग को दी गई है। अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर पुल गिरा तो यहाँ पर सैकड़ों गांव की रास्ता बंद हो जाएगी और आने जाने का कोई भी रास्ता नहीं बचेगा। इन हालातों में जल्द से जल्द पानी के कटाव को बंद कराने की कृपा करें। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी मैनप्री से चैनल के माध्यम से अपील की है कि जल्द से जल्द पानी का कटाव बंद करके हम लोगों को राहत दिलाने की कृपा करें। वहीं दूसरी ओर एक नहर विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया, जिसमें आप देख सकते हैं कि जेई राजवीर सिंह ने जब इस बारे पूछा तो उन्होंने कोई जवाब न देते हुए अपना मुंह छुपाने की कोशिश की और गोलमोल जवाब दिया। आइए आपको दिखाते हैं कि जेई विशेष वार्ता। अब देख रहे हैं कि न्यूज को देखने के बाद किसानों को कितनी राहत मिल पाती है, ये भविष्य ही बताएगा। पानी का कटाव जो है उसकी वजह से पुल का नुकसान हो रहा है। करीबन इधर देख लीजिएगा, करीबन 3 करोड़ का पुल जो है वो आप ऐसे ही बात कर लीजिएगा। आप तो अंदर आओ, आप अंदर आइए। नहीं ऐसे ही बात कर लो, थोड़ा सा हम उसमें न्यूज बना रहे हैं ना, इसलिए नहीं उसका आप क्या कहना चाहते हो उसमें ये बता दीजिए। आप देख के आए हैं, हम उच्च अधिकारियों को अवगत कराएंगे जी, उसे जिस स्थिति है उसे, और उस पर अगर पैसा मिल जाएगा तो उसका कार्य हो जाएगा। सरकार का जो है उस पुल में 1 साल अभी हुआ बना हुआ, नया पुल है, 3 करोड़ रुपया लगा हुआ, पुल टूटने वाला है। अगर वो पुल टूट गया तो सैकड़ों गांव उससे बाधित होगी। कभी अवगत करा देंगे सी से कि वो उनका पुल है, वो उसका मेंटेनेंस करें और जो उसका कटान है उसको रोकने के लिए उच्च अधिकारी को अवगत करा देंगे। ये कब तक कटान वो रोका जाए, कब तक अधिकारी को अवगत कराएंगे? अभी कोई मतलब उसका प्रोसेस नहीं चालू हुआ। क्या नाम है आपका? राजवीर सिंह जी। बताइए क्या समस्या है आपकी? समस्या साहब, जो कटान हुई हो नहर विभाग को बता ही चुके थे, वहाँ नहर विभाग सुन नहीं रही साहब। जब जाल से कटान वो पुल एक बार बनू तो एक बार टूट चुको, 2 साल पहले 3 करोड़ रुपया लगा पुल बनाओ, वो पुल के नीचे से पानी निकली हो, जाल काम नहीं करी, जाल से नीचे मेरे पानी निकल लो। नहर विभाग को दुआ अवगत करा चुके, बेवर गए तक बाद अपने अंदर सुनवाई नहीं कुछ कर रही, जो कटान बराबर चल रहो अगर जे चलते रहो साहब तो जो पुल अवगत पुल टूटी है साहब, खेतों को नुकसान हो रहा है लगातार, कोई सुनवाई नहीं था। ये कहाँ का पुल है, कौन सा? अहमलपुर है, अहमलपुर जाल अहमलपुर जासमई कुंडी जासमई मार अहमलपुर ग्राम में नाला पुल है साहब, और बगल में जाल है, जाल के पानी जाल के साइड में निकल रहा साहब, जाल के ऊपर से पानी नहीं निकल रहा, जाल के साइड निकलवे के लिए कटान करियो, कम से कम 5 मीटर नीचे से कटान हुई हो साहब। जब 5 मीटर नीचे चलोगे कटान साहब खांदी हुई तो फिर सब ने पुल पुल सब जाए साहब, सब नुकसान हो रो, सारे रोड अब जो दुनिया सब किसान परेशान है साहब। मैं जिलाधिकारी से अनुरोध करता हूँ अगर शीघ्र कार्रवाई या खंदी न बंद हुई तो पुल क्षतिग्रस्त हो जाएगा साहब। 5 करोड़ 3 करोड़ रुपया लग के पुल बंद हुआ और साहब सारे गांव प्रभावित हुए हैं, खेती बाड़ी किसान हम लोग सारे बंद। लगभग कितने गांव प्रभावित होंगे? कम से कम 10 गांव, यहाँ से विष्णुगढ़ तक साहब 20 गांव सब जासमई नंदुलिया हिंदूपुर पूरे सारे गाँव चरावर देवरनिया नंदुलिया सारे गाँव प्रभावित, मेन रोड है साहब। आपका क्या नाम है? मनोज कुमार पांडे। कहाँ से हैं? अहमलपुर से। बताइए क्या बात है? बात क्या साहब, ये जाल से जो मट्टी कटती जा रही है इसलिए पुल धीरे धीरे पुल के नीचे गड्ढा होते जा रहे, पुल गिरने की संभावना, और ये इधर से ट्रैक्टर एक आ रहा था साइड से, वो साइड करने एक भैया नीचे चला गया, वो बच गया, लग गया बाल बाल बचा। अच्छा हाँ हाँ, इधर एक गाड़ी इधर से जा रही थी, बैलेंस होने पर गाड़ी साइड में ही गड्ढा था, तो इसकी अगर मरम्मत ना हुई तो कोई बड़ी घटना घट सकती क्या? बहुत बड़ी घटना। अच्छा, कोई आदमी गाड़ी पलट गई वो तो मर ही जाता अभी। अच्छा, क्या नाम आपका?
हमारा नाम कार्य सिंह चौहान। कौन सा पुल है ये? ये अहमलपुर का। बताओ पूरी बात क्या है। अधिकारियों से मेरा निवेदन है कि भाई हमारे यहाँ जो एक बार पुल तो ढह चुका है, उसमें दो तीन की मृत्यु भी हो चुकी थी, और दोबारा 2-3 करोड़ रुपए लग के दोबारा पुल बना हुआ है, और यहाँ खंडी हो गई है ये उसके सैंपल के पास में, तो उसमें कटान हो रहा है और काफ़ी क्षतिग्रस्त होने की संभावना है। ऐसे अधिकारियों से निवेदन है हमारी सुनवाई की जाए, नहीं तो बहुत बड़ा बड़ी हान लाभ हो सकती है, जिससे ये क्षेत्र प्रभावित हो सकता है, दुखी हो सकता है। क्या नाम आपका? हमारा नाम शिवहरी पांडे, ग्राम अहमलपुर। शिवहरी पांडे।